हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूँ आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैसेंजर का सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। फ्रेंड्स, आप मैसेंजर पे जिस चीज़ को आप सर्च करते हैं तो वो आपके मैसेंजर के सर्च हिस्ट्री में सेव हो जाता है, जिससे कि आपका मैसेंजर खोल करके कोई भी देख सकता है कि आप मैसेंजर पर किस किस को सर्च करते हैं। लेकिन अगर जो आप मैसेंजर के सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे तो कोई भी नहीं देख सकता है कि आप मैसेंजर पर किस किस को सर्च करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको अपना मैसेंजर का ऐप आपको ओपन करना है, जैसे मैं ओपन कर लिया। और उसके बाद आपको यहाँ सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपका मैसेंजर का सारा सर्च हिस्ट्री दिखने लगेगा, जिस जिसको आपने सर्च किया। जैसे ये सबको मैं सर्च किया हूँ तो ये सब दिख रहा है। तो डिलीट करना चाहे तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, या पूरा एक बार में करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आपको जिस भी हिस्ट्री को डिलीट करना है, उस हिस्ट्री के सामने में आपको एक यक्स का आइकॉन है, क्रॉस का। आप इस क्रॉस के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए तो वो हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। अगर जो पूरा सर्च हिस्ट्री एक बार में डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ क्लियर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ क्लियर सर्चेस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही इतना कर देंगे, उसके बाद आपका मैसेंजर का सारा सर्च हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अब मेरा मैसेंजर का सारा सर्च हिस्ट्री डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप मैसेंजर का सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।